हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस। यहां पर हम आज बात करने वाले हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक रिक्रूटमेंट के बारे में और जानने वाले हैं कि क्या रखा गया है क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ किस तरीके की है एलिजिबिलिटी, इन सभी चीजों पे आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, तो शुरुआत करते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में, देखते हैं क्या क्या चीजें रखी गई हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन इनवाइट किया गया यंग और सेल्फ मोटिवेटेड एनर्जेटिक पर्सन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा क्या क्या है यहाँ पे, इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, मेटलर्जी ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, आईटीएस ऑफिसर, लीगल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पे 22। ध्यान रखिएगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पे 22। 22 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आता है टेबल में, यहां पे आपको बताया गया है रिजर्वेशन के बारे में, किस तरीके से आपको रिजर्वेशन मिलेगी और किस आधार पर नॉन क्रीमी लेयर एससी एसटी पीबीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को यहां पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है कौन कौन से डेजिग्नेशन है और किस तरीके की सुटेबिलिटी आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी का यहां पे कंसिडरेशन होगा उसके बारे में। इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन पे। तो देखिएगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स, डिसेबल डिफेंस पर्सनल 3 इयर्स और ऑर्डिनरली डोमिसाइल जम्मू कश्मीर वालों को यहाँ पे 5 इयर्स का क्लियर रहेगा। अपर एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की बात करूं यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा 18-28 इयर्स यहाँ पर रखा गया है, यानी अपर एज लिमिट सभी पोस्ट का 28 इयर्स है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति रिलैक्सेशन में आएंगे यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी में आएंगे उन सभी को छूट प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो ध्यान रखेंगे सभी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, उसके बाद 60% मार्क्स के साथ। अगर आपका केमिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो केमिकल में, मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में, सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिविल में, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन से भी बीटेक होना चाहिए 60% के साथ, मेटलर्जिकल के लिए मेटलर्जी, आईटी के लिए आईटी में, कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस में, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग में एमबीए होना चाहिए। ध्यान रखिएगा एमबीए यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अगर आपके पास केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल में है तो भी अप्लाई कर सकते हो। एचआर के लिए यहां पर ध्यान देंगे मिनिमम जो है आपका बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके अलावा 2 इयर्स का पीजीडीएम होना चाहिए या फिर डिग्री ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, लेबर वेलफेयर, मास्टर इन सोशल वर्क, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए अगर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट लीगल का तो ध्यान रखिएगा मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, एलएलबी आपका रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है किसमें, लीगल में, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, क्लियर रहेगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा जितने भी फ्रेशर इंजीनियर्स हैं यहां पे अप्लाई कर सकते हो परमानेंट जॉब के लिए, क्या परमानेंट जॉब के लिए। आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा यहां पे आपको एक नोट पॉइंट दिया हुआ है कि इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी बी बीटेक बीएस इंजीनियरिंग और हैविंग 5 इयर्स बी बीटेक प्लस एमटेक का तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है किसी ने तो भी अप्लाई कर सकता है, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन जो है ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा, चेन्नई, कोयंबटूर, हैदराबाद, कोचीन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, ये आपके सेंटर बनाए जाएंगे और यही पे इसी सिटी में आपका सीबीटी होगा, क्लियर रहेगा। किस तरीके का रहेगा यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा टोटल ऑनलाइन टेस्ट में 120 मार्क्स के 2 पार्ट होंगे, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, उसके बाद लॉजिकल डिडक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी 1 पार्ट होगा और 2nd पार्ट होगा आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट का, क्लियर रहेगा। चलिए फाइनल सिलेक्शन जो है 85% रिटन टेस्ट का और 15% इंटरव्यू के मार्क्स के वेटेज के आधार पर। नेक्स्ट आता है पोस्ट कोड सीपीसीएल 10 के लिए यानी लीगल के लिए, तो लीगल में अगर आप देखेंगे तो पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर यहां पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पे एंड इमोलुमेंट्स की बात करूं तो जैसे ही आप वहां पे ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग के समय में 50,000 एक साल तक मिलेंगे आपको ग्रेड ए की सैलरी, लेटर ऑन आपको 50,000 से 1,80,000 का बेसिक सैलरी के जो पे स्केल है उसमें आपको रखा जाएगा। इसके अलावा बिसाइड्स बेसिक पे इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ डीए, एचआरए, कैफेटेरिया, कन्वीनियंस मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्यूटी, उसके बाद फिर एलएफए, एलटीसी, रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, सेल्फ और डिपेंडेंट्स, अदर बेनिफिट्स इंक्लूड द सुपर एनुएशन ऑफ बेनिफिट्स, इन सारी चीजों की आपके पास एक फैसिलिटी दी जाएगी। अब बात आती है एप्लीकेशन फी की, तो गाइस ध्यान रखिएगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1,000 रुपीज एंड एससी एसटी की अगर हम बात करें यहां पर तो कोई भी फी नहीं देना है। ध्यान रखिएगा
एससी एसटी एंड वीमेन कैंडिडेट को कोई भी फी नहीं देना है, पीडब्ल्यूडी हो या एक सर्विसमैन हो, कोई भी यहां पर फी नहीं पे करना है, क्लियर रहेगा। चलिए अप्लाई कैसे करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के सबसे पहले आप जाकर के विजिट करेंगे cpcl.com पे और वहां से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं कैरियर पेज में जाकर के। अगर आप न्यू यूजर हैं तो सबसे पहले खुद को अप्लाइंग फॉर द पोस्ट पे जाकर के आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आप फर्दर आगे चीजों को क्लियर कर पाएंगे। अप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अपलोड फोटो, साइन डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू डिक्लेरेशन, पेमेंट सेक्शन और डाउनलोडिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद पर्सनल डिटेल में सारी चीजें क्या क्या आपको रखना है, इन सभी चीजों को किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सा फॉर्मेट आपका अप्लीकेबल होगा डॉक्यूमेंट्स का, उसके बारे में आपको बता दिया गया है। पेमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, क्लियर रहेगा। इसके बाद डिक्लेरेशन साइन करना है, तो ध्यान रखिएगा लास्ट आता है आपका सर्विस बॉन्ड। तो गाइड जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको 3,00,000 का सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50,000 रुपए, क्लियर है, क्लियर है। अप्लाई करने के लिए www.cpcl.co.in का आपका वेबसाइट दिया गया है, ये सारे आपको कंडीशंस यहां पर बताए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो गाइस पोर्टल ओपन हो चुका है, ध्यान रखिएगा पोर्टल ओपन हो चुका है 24 अगस्त से, लास्ट डेट रखा गया है 21 सितंबर का, ऑनलाइन पेमेंट का 21 सितंबर और टेंटेटिव डेट ऑफ एडमिट कार्ड 4 अक्टूबर, एग्जाम कब होगा 16 अक्टूबर का टेंटेटिव डेट मेंशन किया गया, तो ये डेट वाला कॉलम आप लोग ध्यान रखेंगे। फी आप लोग याद रखिएगा, फी कितना है 1,000 रुपीज फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, वेमेन कैंडिडेट, एससी एसटी, पीवीडब्ल्यूडी एंड एक सर्विसमैन एक्सटेंडेड फ्रॉम द फी, क्लियर रहेगा। तो गाइज ये था आपका सीपीसीएल एक पीएसयू का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट, बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं हम लोग एक नए अपडेट के साथ, बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, थैंक यू सो मच।